उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बाघ के नदी की तेज धारा में फंसने और उसके रेस्क्यू का ऑपरेशन क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। नेपाल में हुई बारिश के कारण पूर्वांचल की नदियां उफान पर हैं। इसी क्रम में कतरनिया घाट इलाके में गिरवा नदी में एक बाघ नदी की तेज धारा में फंस गया। नदी की तेज धार में फंसे बाघ को वन विभाग और स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से अभियान चलाकर बचाया गया। पूरी घटना का ड्रोन फुटेज वन विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसमें बाघ को नदी की तेज धार में फंसा देखा जा सकता है। पानी से निकलने की कोशिश करते बाघ के लिए बैराज के गेट बंद कराए गए। पानी की धार कम हुई तो बाघ बाहर निकल आया, फिर वह जंगल में वापस चला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में इस नजारे को देखने के लिए आम लोग पहुंचे हुए थे। आपके लेकिन सामने की घटना है ना ये होते हुए, मुझे बताओ उधर से बैराज से कितना नीचे आके इस तरफ को कटा है वो बैराज सिल्क रिजेक्टर है वो दिख रहा है इधर आया पानी से गन्ने में जाते देखा आप लोगों ने। नाव वाले लोग भागे लोग आ रहे तो इसी पार वो पीछे वो ट्रक मारे बिना आने रहते लोग गन्ने पे कोने पे ना रोका है। अच्छा नाव उसका क्या नाम बताया था? नाव वाले शमशेर कहाँ का रहने वाला? वो चालुआ का रहने वाला है। वो आपका क्या नाम? अशोक। इनका तो कहाँ रहने वाले हो? निशान नगर। निशान नगर। बाकी सब लोग कहाँ के हैं? सब निशान नगर, विजय नगर, मंगलपुर। कई गांव के हैं सर। गेरुआ नदी नेपाल के कोडियाली नदी से जुड़ती है। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का असर है कि नदी उफान पर है। गेरुआ नदी की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। कतरनिया घाट के पास जब बाघ इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था तो वह पानी के तेज बहाव में फंस गया। करीब 4.5 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद उसे बचाया जा सका। बाघ की जान बचाने का अभियान अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।